दोस्तों, वेलकम टू द 5G प्लस एजुटेक क्लासेस। दिस इज अर्पित कुमार परमार। सो आज हम स्टार्ट करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भारत जिसका हिस्सा है। एक्चुअली आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना इसलिए है क्योंकि एग्जाम में कई तरीके से एग्जाम आ जाते हैं कि बताइए इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या नहीं है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमारा जो प्यारा भारत है, इसका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ रहा है, ग्लोबल अफेयर्स में एक प्रमुख आवाज बन के उभर रहा है। तो इस कारण से हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है क्योंकि धीरे धीरे भारत बहुत सारे डायलॉग पार्टनर में एक्टिवेट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो मेनली हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे उसके हेडक्वार्टर हमें पता होना चाहिए, इंडिया किसका मेंबर है या नहीं है ये पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आपको या तो 100% कोई आंसर पता हो, जिसका 100% आपको आंसर पता हो, और दूसरा तरीका क्या होता है, एलिमिनेशन ट्रिक। सो एलिमिनेशन ट्रिक भी कई बार काम आ जाती है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं। तो आइए चलिए आप स्टार्ट करते हैं हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन से। हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है आल्को, जिसका फुल फॉर्म है, आपको कई बार ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है जो आल्को का फुल फॉर्म है, एशियन अफ्रीकन लीगल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बनी थी हमारी, 15 नवंबर 1956, 15 नवंबर 1956, जिसको पहले एशियन लीगल कंसल्टेंसी कमेटी के नाम से जाना जाता था। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, इंडिया, इंडोनेशिया, इराक, जापान, म्यांमार, श्रीलंका, इजिप्ट, सीरियन अरब रिपब्लिक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। दूसरा एडीपी, इसको क्या बोला जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ध्यान रखना है आपको इनके फुल फॉर्म की। जो कब बनी थी, 1966 में, 19 दिसंबर 1966। शुरू से इसके 31 मेंबर्स थे, अब 68 हो गए हैं। इसका फाउंडिंग मेंबर इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला में। देखिए, वैसे तो हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन मेनली आप इतना ध्यान रखिए कि ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप मेन हेडक्वार्टर तो अच्छे से याद रखिए। फिर हमारी आती ऑर्गेनाइजेशन अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर का है टूनिशिया में। कब बनी थी, 1964 में, टूनिस कैपिटल है टूनिशिया की, ठीक है। उसके बाद में से ऑस्ट्रेलियन ग्रुप कब बनी थी, 1985, 48 मेंबर कंट्री है। इंडिया ने 2018 जनवरी में ज्वाइन किया था। इसकी फर्स्ट मीटिंग कहाँ हुई थी, ब्रसेल्स बेल्जियम, सितंबर 1989। बेल्जियम का है, हमारा यूरोप का हिस्सा है, ठीक है, इसकी कैपिटल है ब्रसेल्स। अच्छा, इसका यहाँ पे हेडक्वार्टर नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडनी में। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के नाम से बना है तो इसका हेडक्वार्टर सिडनी में रहे, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है अगली ऑर्गेनाइजेशन आसियान, इसका फुल फॉर्म एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, 1967 में ये बनी थी। इंडिया का डायलॉग पार्ट मेंबर है 1995 से। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया। उसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ये 30 नवंबर 2015 को फाउंड की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हमारे भारत में गुरुग्राम हरियाणा, इंडिया का फाउंडिंग मेंबर। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक, इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निक एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, 1997 में फाउंड की गई थी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, 6 अदर्स भी है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ढाका में, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश की कैपिटल है। नेक्स्ट BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो कि फाउंड की गई थी मई 1930 को, जिसका
जिसका आरबीआई हमारा, ये बैंक की एसोसिएशन है ना, तो बैंक आरबीआई हमारा मेंबर होगा, जिसके टोटल 60 में से आरबीआई मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेसल स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न। ठीक है, उसके बाद ब्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मेंबर कंट्रीज कौन कौन से? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका हमारा कब मेंबर बना था बताइए? 2010 में साउथ अफ्रीका हमारा मेंबर बना था, 2010 में। इसका तो जून 2006 में इसकी फॉर्म हुई थी। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, चाइना। चाइना की कैपिटल बीजिंग। फिर कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जिसको CON से डिनोट करता है, 11 दिसंबर 1931 में फाउंड की गई थी। इंडिया का मेंबर है, हेडक्वार्टर लंदन, यूके। नेक्स्ट सर्न, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जो कि एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1954 में। हेडक्वार्टर जिनेवा। इंडिया का एसोसिएट मेंबर है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कोलंबो प्लान एस्टेब्लिश्ड 1950, हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो प्लान से आप ध्यान रख सकते हैं, हेडक्वार्टर कोलंबो में। इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। एक और कैपिटल क्या है श्रीलंका की बताइए? जयवर्धन। उसके बाद ईस्ट एशिया समिट कब की गई थी? एस्टेब्लिश्ड 1950 में, हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका। इसका भी कोलंबो, इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। देखिए जरूरी नहीं है कि जिस जो ऑर्गेनाइजेशन होती है किसी भी कंट्री की कैपिटल में रखी जाए, ठीक है, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा जो स्विट्जरलैंड है उसका कैपिटल क्या है? बर्न है। लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे होती है? हेडक्वार्टर जिनेवा में, है ना। तो इसीलिए जरूरी नहीं होता ऐसा होता कि उसकी हेडक्वार्टर उसके किसी भी कंट्री के कैपिटल में, इसलिए आपको ध्यान देना है। उसके बाद FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है, एक संघ है। कब एस्टेब्लिश हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली। इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट G15, ग्रुप ऑफ 15 भी कहा जाता है, सितंबर 1989 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट G20, जिस जो की सितंबर 1999 में एस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर कैनकन, जो कि कहाँ है? मैक्सिको में। इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। मैक्सिको का कैपिटल बताइए? मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट G77 15 जून 1964 को एस्टेब्लिश की गई। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इंडिया का फाउंडिंग मेंबर है। न्यूयॉर्क कहाँ है? सबको पता होगा, यूएसए में। यूएसए का कैपिटल क्या है? न्यूयॉर्क नहीं है, ध्यान दीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी। कौन बने आके अभी पिछले साल प्रेसिडेंट? जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप को हरा के बने। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एस्टेब्लिश की थी 1957 में, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया। इंडिया का क्या है? फाउंडिंग मेंबर। एक और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा थोड़ा, वो भी इंडिया उसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन अभी जिस तरीके से हमारे पेट्रोल के प्राइस ऊपर नीचे इतने ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है उसका भी कैपिटल क्या होता है। वो ओपेक, क्या बोला जाता है इसको? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम
एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये भी वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है। एस्टेब्लिश किया कब किया था? 1944 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। आईसीएओ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश इन 1944, हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। इंडिया इसका इलेक्टेड मेंबर है। नेक्स्ट इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स आईसीसी कहा जाता है इसे। एस्टेब्लिश 1919, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इंडिया इसका मेंबर है। आईडीए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एस्टेब्लिश इन 26 सितंबर 1950, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर। नेक्स्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो कि एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1974 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इंडिया इसका एसोसिएट मेंबर है। आईएफएडी नेक्स्ट इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एस्टेब्लिश इन दिसंबर 1977, हेडक्वार्टर रोम इटली। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर। नेक्स्ट आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश कब की गई थी? जुलाई 1956 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। नेक्स्ट आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कब की गई थी? एस्टेब्लिश 1990 में। हेडक्वार्टर जिनेवा। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। इसको कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मजदूर, लेबर मतलब मजदूर, मजदूर श्रम करते हैं काई के लिए, जीने के लिए, तो वैसे ही जिनेवा। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये दिसंबर 1945 में। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड पैसे वाली बात है, कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा पैसे वाली? यूएसए होगी, तो वाशिंगटन डीसी। कुछ इस तरीके से मतलब आप ट्रिक्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आईएमओ इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 1948 में, हेडक्वार्टर लंदन यूके। इंडिया इसका इलेक्टेड मेंबर। आईएमएसओ इंटरनेशनल मोबाइल सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन जो कि एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1999 में। हेडक्वार्टर लंदन यूके। इंडिया इसका फाउंडर मेंबर। नेक्स्ट इंटरपोल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम। जो कि एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1923 में। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस। इंडिया इसका मेंबर कब है? 1949 से। नेक्स्ट आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिस एस्टेब्लिश कब की गई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसेन स्विट्जरलैंड। इंडिया इसका मेंबर। सॉरी ये थोड़ी दिक्कत हो गई थी। आईपीडब्ल्यूसी इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉरपोरेशन जो कि एस्टेब्लिश कब की गई थी? 2009 में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर। नेक्स्ट आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो कि एस्टेब्लिश कब की गई थी? फरवरी 1947 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड। इंडिया इज अ मेंबर। हेडक्वार्टर आप मेनली ध्यान दीजिएगा, आपको डेट नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है। आईटीएसओ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन 1964, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। जो कि आपको पता है कहाँ है ये? यूएसए। इंडिया इज अ मेंबर। आईटीयू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो कि एस्टेब्लिश की गई थी 17 में 1864, हेडक्वार्टर जिनेवा।
स्विट्जरलैंड, इंडिया इज एक्टिव मेंबर। ITUC नेक्स्ट, इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम, इंडिया इज मेंबर। कब की गई थी एस्टेब्लिश्ड? नवंबर 2006। नेक्स्ट MTCR इंपॉर्टेंट है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, हेडक्वार्टर जापान, इसका हेडक्वार्टर जापान में। इसके आप फुल फॉर्म भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एस्टेब्लिश कब की गई थी? अप्रैल 1987 में। जून 2016 से इसका इंडिया एक्टिव मेंबर है। नेक्स्ट नेम, एस्टेब्लिश की गई थी हमारी 1961 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया, इंडिया से मेंबर। नेक्स्ट OPCW, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, एस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1997, इसका हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड। अच्छा बताइए आप जरा, नेदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टरडम। नेक्स्ट PCA, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, एस्टेब्लिश इन 1899, हेडक्वार्टर हेग नेदरलैंड, इसका कैपिटल आपको बताई है मैंने, एम्स्टरडम। नेक्स्ट PIF, पैसिफिक आइलैंड फोरम, कब की गई थी एस्टेब्लिश? 1971, हेडक्वार्टर सुवा फिजी। नेक्स्ट SARC, इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जो कि एस्टेब्लिश की गई थी दिसंबर 1985 में, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, इंडिया का फाउंडिंग मेंबर। क्योंकि इतना सक्सेस रहा नहीं है SARC, इंडिया एक्चुअली भी क्या है, लिपस्टिक पे ज्यादा ध्यान देता है, SARC पे कम ही देता है, क्योंकि किसका पाकिस्तानी मेंबर है, तो इनके बीच में आपको पता ही है थोड़ी सी मुठभेड़ होती रहती है, तो दैट्स व्हाई ये ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा वर्किंग नहीं है। नेक्स्ट SACEP, साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरमेंट प्रोग्राम, एस्टेब्लिश इन 1982, हेडक्वार्टर कोलंबो श्रीलंका, इंडिया से एक्टिव है। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिश इन अप्रैल 1996, हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग चाइना, इसका इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। नेक्स्ट UN, ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन, एस्टेब्लिश इन 1945 में क्यों किया गया था? जब सब कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, वर्ल्ड वॉर भी हुआ, खत्म हुआ, उसके बाद में यूनाइटेड नेशन बना धीरे धीरे पीस लाने के लिए, तो आपको ये तो याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US, इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर। नेक्स्ट अनेट्स, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एड्स, एस्टेब्लिश इन जुलाई 1994, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कुछ कुछ एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर लंदन UK, एस्टेब्लिश इन नवंबर 1946। नेक्स्ट WHO, ये कब बनी थी हमारी? अप्रैल 1948 में, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, इंडिया से फाउंडिंग। सॉरी ये इसका हेडक्वार्टर आप सही कर लीजिएगा, यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। सो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में, WHO का जिनेवा स्विट्जरलैंड।
जिस तरीके से मैंने आपको बताया था ILO इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सो जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, श्रम करते हैं, इसलिए जीने के लिए, उस तरीके से जीना जिसके लिए जरूरी है, अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम जी पाएंगे, तो उस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हैं WHO का भी, जिनेवा। सो यहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल के लिए खत्म होती है, हम और भी सेशन लेके आएंगे जिसमें मैं आपको, फिलहाल तो मैंने आपको ये बताया है कि इंडिया जिसका मेंबर है वाली ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई है, और भी मैंने सेशन लेके आऊंगा जिसके, इंडिया जिसका मेंबर तो नहीं है लेकिन एग्जाम में कई बार उन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वगैरह पूछ लिया जाता है, जैसे कौन कौन सी कंट्री किस किस मेंबर है, G7 हो गया, OPEC हो गया। सो आप ये सेशन बताइए कैसा लगा, और भी आपके कुछ डाउट क्यूरी हो तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जो भी हो सके उसमें करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।